मुलाजमीन से बातचीत में बोले अमित शाह, बताते हैं आपको, राहुल सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, पीएम हर समाज की बात करते हैं, राहुल पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं, राहुल सबका हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया है। पीएम सबको बराबर हक देने की बात करते हैं, तुष्टिकरण कर वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं राहुल, ये अमित शाह ने कहा। एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी हैं, अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, तो सभी को दे रहे हैं, मुसलमानों को ही मिल रहा है, मगर ये वोट बैंक क्रिएट करने के लिए एपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर उनको देने की बात है, इसका विरोध।